नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है नीट परीक्षा पास करने वाले कुशाग्र कृष्णा। कहा जाता है नीट की परीक्षा देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, तो क्या इनकी तैयारी रही? 211 रैंक लाया है इन्होंने, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुशाग्र, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में और बहुत बहुत बधाई आपको नीट में 211 रैंक लाने पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको अभी? तो बहुत अच्छी फीलिंग है, इतने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसा रिजल्ट आया है तो अभी तो बहुत खुशी हो रही है। 2 साल से प्रिपरेशन चल रहा था आपका? हाँ, 11th और 12th। वो क्लास 10th के बाद मैंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन कोटा जाके एलन इंस्टीट्यूट से करी थी। वहाँ पे मैंने 2 साल में अपनी सारी पूरी नीट के सिलेबस को कवर किया और उसे बार बार रिवाइज करते रहा, तभी जाके मुझे ऐसी सफलता मिली। कोटा जाके बिहार क्यों नहीं? बिहार और कोटा में टीचर कंटेंट वो सब ऑलमोस्ट सेम है, बस वही है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके वो है। वहाँ पे मुझे वैसे ही फ्रेंड सर्कल मिले थे, वैसा ही टीचर्स थे जो हर रोज़ मतलब पढ़ाई पे ही फोकस रहते थे, तो मुझे उधर डिस्ट्रैक्शन कम होता था। हर बच्चों के लिए कोटा जाना संभव नहीं है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, क्या वो बिहार में रह के आपकी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, इतना अच्छा रैंक ला सकते हैं? आज के एरा में तो बहुत आसान है क्योंकि ऑनलाइन सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, तो आज के स्टूडेंट के लिए बस अगर अपने जहां पे भी हैं वहां पे रह के अगर वो कंटेंट सही ले रहे हैं और उनका माहौल ठीक है, मतलब वो फोकस बनाए रखे हैं उस पर, तो आज आसान है। किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस था आपका, क्या लगा कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए जो मतलब नंबर ज़्यादा ला सकता है, किस सब्जेक्ट में? नीट में तो तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना, अगर आपको कट ऑफ पार करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पे फोकस रखना पड़ता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। मेरा फिज़िक्स क्लास 11 से ठीक रहा था तो मुझे उसमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं एक बार नोट्स देखता था, फॉर्मूले देखता था तो मुझे याद हो जाते थे। केमिस्ट्री पे मैंने खूब मेहनत की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, वो उसे बार बार जितनी बार करें उतना ही बेटर है। तो तीनों सब्जेक्ट में लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही थी आप? वही केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, स्टार्ट में बहुत ख़राब जाता था उसका परफॉर्मेंस, पर जैसे जैसे बार बार मैंने सेम चीज़ों पर फोकस किया, बार बार एनसीईआरटी पढ़ी उसकी, तो मुझे बहुत हद तक याद होता गया, उसके बाद बहुत आसान हो गया था। कौन सा पब्लिकेशन सही है, क्या एनसीईआरटी ज़्यादा बेटर है या फिर कोई दूसरा पब्लिकेशन भी अलग से लेना चाहिए? मैंने कुछ अलग से तो कोई पब्लिकेशन ट्राई नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे मेनली टीचर्स फोकस करते थे एनसीईआरटी को कवर कराने में, और उसके बाद उनके जो मॉड्यूल्स होते थे मैंने वही किया था, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने नहीं किया था। प्रैक्टिस बुक कितना इम्पोर्टेंट होता है? प्रैक्टिस बुक जैसे उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं कोचिंग के, उसमें वो क्वेश्चंस देते हैं, थ्योरी देते हैं, तो मैं उसे करता था। क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर्स से, तो उससे मेरी प्रिपरेशन और अच्छी होती चली गई। कभी ऐसा हेक्टिक लगा कि छोड़ दो, बहुत मेहनत कर रहा है, स्ट्रेस हुआ कभी? कभी कभी कोई टेस्ट में कम नंबर आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि अब कैसे होगा, इसको करना तो बहुत मुश्किल है। उस टाइम घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा था, उस टाइम वो भी बोलते थे कि तुमने ही अच्छा किया है, तुम ही करोगे, अभी हो जाता है कभी कभी, तो उसमें घर वालों के सपोर्ट से बहुत अच्छा हो गया उसके बाद। इस नीट के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने आपको किया? सबसे ज़्यादा मोटिवेट मतलब वहाँ पे थे तो वहाँ पे टीचर्स रोज़ कहते ही थे कि पढ़ लो, मतलब बहुत अच्छा है आगे लाइफ, अभी अगर पढ़ लें 2 साल तो। वहाँ के टीचर्स ऑलमोस्ट सारे वैसे ही हैं, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं रोज़। और खुद को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या किया? अब 2 साल मैं अलग से वहीं गया था तो मुझे लगता था कि अब यहाँ पे आके कुछ और करूँगा तो फिर उसका क्या ही मतलब रहा, तो अलग से जाने के मुझे लगा कि अब यही फोकस बनाना चाहिए मुझे। कब से लगा कि नीट ही करना है? ऐसा कुछ स्टार्ट से डिसाइडेड नहीं था, क्लास 10th के एंड आते आते मुझे लगा कि मुझे बायो स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है मैथ से, तो मैंने बायो को चूज़ किया। बायो को चूज़ किया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, डॉक्टर ही क्यों?
ऐसा मेरे फैमिली में एक है मामा जो डॉक्टर थे, तो उनकी लाइफ को मैं एडमायर करता हूँ। वो मतलब अलग अलग जगह जाते हैं, काम करते हैं, इतने पैशनेट है अपने काम को लेके, तो मुझे लगता था कि ये बहुत सही फील्ड है। अभी हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत है, कोरोना टाइम पे भी हमने देखा था, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी डर नहीं लगा, सपोज कोरोना तो था, कहीं दूसरा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, गॉड नोज, कौन जानता है। तो अब उसमें अब मैं आ गया हूँ इस लाइन में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्या लग रहा है कॉलेज, कौन सा ड्रीम कॉलेज कौन था आपका? ड्रीम कॉलेज तो एम्स दिल्ली था, पर अभी 211 रैंक पे तो मुश्किल हो गया। तो क्या लग रहा है कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? एम्स तो मिल जाएगा, दिल्ली का तो नहीं पर हाँ, उसके अलावा तो एम्स मिल जाएगा, पर वही उसकी रैंकिंग फिर नीचे है। उससे अच्छा मैं मौलाना में ट्राई कर सकता हूँ, सफदरजंग में ट्राई कर सकता हूँ, वो सब मिल जाना चाहिए। कभी ऐसा लगा कि बर्डन हो रहा है पढ़ाई का? ऐसा स्पेसिफिकली क्लास 11th के लास्ट में लगा था कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था, बहुत दिक्कत हो रही थी सबको कवर करने में। तो उस टाइम टीचर्स ने भी मुझे यही सलाह दी कि तुम अभी छोड़ दो, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो छोड़ दो, क्लास के साथ चलो। तो मैंने वैसा किया और क्लास 12th में आके वो पूरा पोर्शन कवर किया, तो वो फिर आसान हो गया था। बैकलॉग कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल है, आपने बताया पीछे का काफ़ी बैकलॉग छूट गया था, तो फिर बैकलॉग के साथ क्लास को पूरा लेकर चलना कैसे आपने किया ये? तो मेरी स्ट्रैटेजी वही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था कि सारा बैकलॉग कर लूँ, क्योंकि वो करने जाऊँगा तो फिर जो करंट चल रहा है वो छूट जाएगा, और अगर एक बार करंट छूटते चला जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि मैंने बैकलॉग को साइड रख दिया, मैंने बोला अभी करंट के साथ चलते हैं, जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तब मैं बैकलॉग करता था। कोटा में कई बार सिचुएशन यू नो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, हमेशा ऐसी खबरें आती हैं, तो कैसे आप इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखते थे? दूसरे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप अगर कोटा जा रहे हैं, वहाँ आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया है, आपके टीचर से आपकी बात है, आप अपने पेरेंट्स से रोज़ बात करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भारी माहौल बनता नहीं है। वो जनरली उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कट जाते हैं बाकी लोगों से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने ज़्यादा अच्छे अच्छे दोस्त बनाए जिनके बीच में आपको मोटिवेशन मिले, आपके से बेटर लोग हों जो आप देख के आपको लगे कि आप इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो यानी कि बस पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रखना, दोस्तों के साथ भी थोड़ा एंजॉय करना है, पेरेंट्स का सपोर्ट लेते रहना है। सही। ओके, तो हमारे साथ थे कुशाग्र, और आपने देखा कि कैसे इनकी प्रिपरेशन रही, कैसे इन्होंने खुद को मोटिवेट किया और स्ट्रेस से दूर रखने के लिए क्या क्या कर रहे थे। कितने घंटे आपने पढ़ाई की कुशाग्र नीट के लिए? दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में घंटे देख के नहीं पढ़ता था, मतलब हम लोग की कोचिंग 2 से लेके 8 तक होती थी, तो पूरा शाम का टाइम तो उसी में चला जाता था। उसके बाद रात को आके मैं ट्राई करता था कि जिस दिन उस दिन का जो जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो एक बार ऊपर ऊपर ओवरव्यू टाइप्स देख लूँ, और जो भी होमवर्क एक्स्ट्रा है वो सब रात ही को कर लूँ, और सुबह उठ के एक मतलब अगला जो टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस कवर करने में फोकस रहता था। तो वही सुबह के 8 बजे मैं उठता था, उसके बाद से 12-1 बजे जब तक कोचिंग होती है तब तक पढ़ता था, और फिर आके रात को 2-3 घंटे पढ़ता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई में खुद को झोंक देते हैं, मतलब नींद कहाँ गया, खाना पीना सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ पूरा पढ़ाई पे फोकस था, या फिर सब कुछ नींद पूरा लेना है, खाना अच्छा खाना है, डाइट मेंटेन करना है, ऐसा कुछ? डाइट तो वैसे कंट्रोल में नहीं रहती है, आप कैसे ले सकते हैं वो जो मेस में खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है खाना पढ़ाई के टाइम के साथ ही। हाँ, वो जो मेस में मिलता था जो बनता था वही खाता था मैं, उसमें तो आपका कंट्रोल कम ही है, पर नींद आपको लेनी चाहिए। मैं पूरी ट्राई करता था कि कम से कम 7 घंटे की नींद मैं ले सकूँ। बीच बीच में कभी कभी ख़राब हो जाता था, कभी 2-2, 3-3 दिन पर टेस्ट हो जाते थे, बहुत बड़ा सिलेबस, उसको रिवाइज़ करने में कभी कभी कम हो जाता था, पर मैं पूरा ट्राई करता था कि आराम से नींद लूँ। जिनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं कि वो अपने बच्चों को कोटा भेजे, बिहार में ही रह के वो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप कैसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो प्रिपरेशन करें, कैसे खुद को फोकस्ड रखें, कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिले तो या पढ़ाई कर पाओ, घर से भी आप रह के कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, क्योंकि आपको बस एक टीचर या एक गाइडेंस के लिए एक मेंटर चाहिए जो आपको सही गाइड करता रहे हर स्टेप में। बाकी ऐसा कुछ भारी सिलेबस है नहीं कि आप ना कर पाएँ, आज के एरा में ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। 211 रैंक आया, खुश हो?
उतना तो नहीं क्योंकि पिछले साल 715 मार्क्स पे 19th रैंक तक गया था ऑल इंडिया, इस साल डायरेक्ट 211, तो उतना तो नहीं पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स के कारण शायद ऐसा हुआ है। हाँ, ऊपर के 6-7-8 लोग तो दिखते ही हैं ग्रेस मार्क्स वाले, अब देखिए वो लोग को हटाएंगे री नीट के कारण, तो हो सकता है रैंक बेटर हो। नीरज कैंप पे क्या कहना चाहेंगे, पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा अभी बर्निंग मामला बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पेपर लीक तो अब जितने लोगों ने प्रूव करा है, हो सकता है कि पेपर लीक हो, तो इसमें अब गवर्नमेंट जो डिसीजन ले उसके लिए रेडी है। अब रीनीट होगा तो फिर देने में कोई वो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है। हालांकि ग्रेस मार्क्स वालों का ऐसा ऑप्शन दिया गया है, हाँ। या फिर आप तो ग्रेस मार्क्स हटाओ नहीं तो आप एग्जाम। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुशाग्र के पिता राजेश कुमार, इनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतना अपने बच्चे को मोटिवेट किया। बेटा इनका 211 रैंक लाया, बहुत बड़ी बात है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या सपोर्ट रहा आपका, कभी लगा कि बेटा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उम्मीद थी? नहीं, शुरू से उम्मीद थी, पढ़ने में अच्छा था, टेंथ में भी अच्छा रिजल्ट था और ट्वेल्थ का भी अच्छा रिजल्ट था, तो शुरू से लग रहा था कि अच्छा करेगा। मतलब बेटा काफ़ी टैलेंटेड था। हाँ हाँ, शुरू से। तो नहीं थी क्यों, कुछ और भी तो आप बोल सकते थे बच्चे को कि और नहीं, 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 टेंथ के बाद इसका मोटिवेशन मेडिकल की तरफ हो गया था, इसलिए इसका च्वाइस था कि नीट में ही हम आगे बढ़े। तो बेटे ने कहा कोटा जाना है, आपने कहा, और कोटा ही क्यों भेजा आपने, बिहार? नहीं नहीं, हम लोग नहीं, इसी का च्वाइस था कि कोटा जाके तैयारी करें और रिजल्ट वहीं से आ जाए। अच्छा, कभी लग रहा कि बेटा कोटे में है तो पता नहीं पढ़ाई पे फोकस कर पा रहा होगा कि नहीं, स्ट्रेस है या फिर क्या कर रहा है वहाँ पे, कैसे आप उसको ऐसे मोटिवेट करते थे? नहीं, हर दिन बात होती थी इसलिए वो दिक्कत नहीं था, डे बाई डे का अपडेट हम लोग के पास था और वो रिजल्ट शुरू से ही, मतलब फर्स्ट डे अब से ही अच्छा आ रहा था, फर्स्ट एग्जाम में भी अच्छा है वहाँ का जो इंटरनल एग्जाम में, इसलिए कोई दिक्कत हुआ नहीं, वो आगे बढ़ता है। तो हमारे साथ मौजूद थे कुशाग्र के पिता, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुशाग्र के दादाजी, कैसा लग रहा है आपको, आपका पोता नीट में 211 रैंक लाया है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा पोता जो है शुरू से ही इंटेलिजेंट है, आज नया नहीं हुआ है, इसका DPS में 10th में बहुत अच्छा किया था, माने टॉप किया था, और 12th में ये दिल्ली से किया, वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, 97% मार्क्स आया था उसको, इसलिए कोटा जो गया इसका अपना चॉइस था, पटना में ही कोचिंग है लेकिन इसने कहा कि नहीं हम कोटे में जाके कोचिंग करेंगे, वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट है एलएन इंस्टीट्यूट जो है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसी में इसने एडमिशन लिया और इसका रिजल्ट जो है हर 25th डेट पर डे पर इसका लेता था ई टेस्ट, उसमें इसका 700 701 702 कभी कभी 699 तक आया है इसको, तो इस तरह से वहाँ भी बहुत अच्छा कर रहा था, इसको स्कॉलरशिप भी मिला वहाँ एलन से, 8000 रुपये पर मंथ वहाँ स्कॉलरशिप मिलता था इसको, और हम लोग पूरा श्योर थे कि इसका जो है इस बार होना ही है, वो अच्छा रैंक लाएगा, तो अच्छा रैंक आया ही है, लेकिन जो आजकल जो इतना प्रचार हो रहा है कि कहीं पर धांधली हुआ है कहीं पर कुछ हुआ है, उसके चलते थोड़ा सा हम लोग हतोत्साहित हैं, देखिए फ्यूचर में क्या होता है। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे पोते को, कितनी खुशी हो रही है और कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? मेरा आशीर्वाद तो शुरू से ही है और मैं चाहूँगा कि और अच्छा करे, मैंने इसको एम्स दिल्ली मिल जाए, ये मेरा दिली ख्वाहिश है, अब देखें क्या इसको मिलता है, किसके भाग्य में क्या रहता है। पोता तो डॉक्टर बनेगा, आपकी क्या इच्छा थी शुरू से कि पोता डॉक्टर ही बनेगा? नहीं, हमको इच्छा थी कि मेरे परिवार में इंजीनियर बहुत है और इसलिए हम चाहते थे कि एक डॉक्टर होना चाहिए, इसने करके दिखाया, आप देखते हैं क्या होता है भगवान का लीला। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कुशाग्र के दादाजी, काफ़ी खुश है, पूरा परिवार काफ़ी खुश है, परिवार वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा था जिसके कारण कुशाग्र आज यहाँ मौजूद है 211 रैंक पे, हालांकि ग्रेस मार्क्स के कारण इनका रैंकिंग थोड़ा
ज़्यादा पीछे चला गया। इन्हें उम्मीद थी कि रैंक 20 तक इन्हें आए, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। नीट पेपर लीक का मामला भी चल रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कुशाग्र की दादी और उनकी माँ, देखते हैं इनका क्या कहना है। बेटे और पोते ने इतना अच्छा रैंक लाया है, पहले दादी से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने पोते को? मेरा पोता बहुत मेहनती है और 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए गया कोटा, वहाँ अपना 2 साल का प्रिपरेशन किया और अच्छा मार्क्स लाया है, मैं बहुत खुश हूँ। पोते की ख्वाहिश थी डॉक्टर बने, आपकी क्या ख्वाहिश थी? मुझे भी था कि घर में कोई डॉक्टर हो। अच्छा। कैसा लग रहा है, कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे भी बढ़िया करे। पोते को आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा करे, बढ़िया कॉलेज में उसका एडमिशन हो, नाम रोशन करे, यही ना चाहेंगे हम लोग, और क्या चाहेंगे। दादी भी बहुत खुश है, बात करते हैं कुशाग्र की माँ से, क्या कहना चाह रही है वो? कैसा लग रहा है आपको बेटे के इतने अच्छे रैंक पे? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। हम छोटे से ही अच्छा था, हम लोग जानते थे कि बहुत अच्छा करेगा और ईश्वर साथ दिए, इसकी मेहनत का इसको रिवार्ड दिए, तो इसके लिए बहुत खुश है हम लोग। कभी ऐसा लगा कि बेटा डिमोटिवेट हो रहा है या फिर परेशान है कोटा में रह के, क्योंकि बहुत सारी खबरें उधर से आती है? हाँ, नहीं, एक्चुअली ये बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी का लड़का है, बहुत जल्दी ये हिलता नहीं है, यही इसकी क्वालिटी है। तो ऑब्वियसली 2 साल लंबा टाइम होता है, कभी ये डाउन भी गया, कभी अप आया, तो थोड़ा सा तो परेशान कभी कभार होता था, तो हम लोगों के सपोर्ट के कारण और इसके टीचर्स, इसका फ्रेंड सर्किल और के कारण ये मतलब फिर से वापस ये बैक अपने पोजीशन को पा लेता था। तो इस कम्प्लीटली इसका मेहनत और इसका जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किसी चीज़ को पाने का, वो ये दो चीज़ इसकी क्वालिटी है जो इसको ये लाए। 211 रैंक आया, आप खुश हैं इससे? रैंक से तो खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, और इसकी वजह तो पता आप तो दिख ही रहा है कि क्या वजह है। अगर जेन्युइनली एग्ज़ाम होता तो अंडर 50 हम लोग श्योर थे इसके लिए कि आता। इसके टीचर्स भी कोटा में जो मेंटर वगैरह थे, ये लोगों का भी एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट के बाद फ़ोन आया, तो वो लोग भी बोले कि ये लोग स्टार बच्चा था हमारे बैच का, अगर एग्ज़ाम्स अच्छा होता, क्वेश्चंस अच्छे आते तो ये लोग बहुत चमकता। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, फिर आगे बहुत सारे मौके आएंगे अच्छा करने के लिए। तो सागर की माँ काफ़ी खुश है, आपने देखा कैसे उन्होंने बताया, हालांकि रैंक से ये सभी खुश नहीं है नेट पेपर लीक मामले को लेकर, पर कोई बात नहीं, बच्चे ने अच्छा किया है और हम सभी की शुभकामनाएं कुशाग्र के साथ हैं।